पिथौरागढ़ नगर के शांत वातावरण में गुणवत्ता युक्त शिक्षा का प्रमुख संस्थान मानस एकेडमी पिथौरागढ़। नमस्कार, NIN में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज की खास खबरें। सीमांत जिले पिथौरागढ़ की निवासी IRS अधिकारी कृति जोशी ने नेशनल एकेडमी ऑफ डायरेक्ट टैक्स नागपुर में आयोजित प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन कर चैंपियनशिप जीती है। उन्होंने क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन तीनों प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन किया। नगर के विकास भवन के समीप रहने वाले उनके शिक्षक चाचा चाची महिमन जोशी और बबीता जोशी के आवास पर पहुंचकर तमाम लोगों ने कृति की इस सफलता पर बधाई दी। पुलिस अधीक्षक पिथौरागढ़ रेखा यादव ने SSB 55वीं वाहिनी के अधिकारियों के साथ पुलिस कार्यालय में गोष्ठी का आयोजन किया। SP ने आगामी लोकसभा चुनाव को बिना किसी बाधा के सकुशल संपन्न कराए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सघन चेकिंग अभियान चलाने, नेपाल पुलिस, कस्टम विभाग, लोकल इंटेलिजेंस व SST टीम के साथ समन्वय बनाकर संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखने, अराजक तत्वों के विरुद्ध उचित वैधानिक कार्यवाही करने, मतदान के 72 घंटे पूर्व जनपद से लगे हुए समस्त अंतर्राष्ट्रीय मार्ग, पुल बंद करने, सीमाओं से लगी हुई नदियों में चल रही राफ्टिंग 15 अप्रैल से मतदान समाप्ति तक पूर्णतः प्रतिबंधित रखने के निर्देश दिए। कपकोट के भद्रतुंगा मंदिर के पास एक पोकलेन चालक पत्थर की चपेट में आने से खाई में गिर गया। सूचना पर SDRF की टीम उप निरीक्षक राजेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व में रेस्क्यू उपकरणों के साथ घटना स्थल पर पहुंची। टीम ने लगभग 100 मीटर नीचे गहरी खाई में उतरकर उक्त व्यक्ति को बाहर निकाला। उसकी मौके पर ही मौत हो चुकी थी। टीम ने शव को स्ट्रेचर द्वारा वैकल्पिक मार्ग से होते हुए मुख्य मार्ग तक लाकर जिला पुलिस के सुपुर्द किया। मृतक चालक का नाम नंदन सिंह रौतेला है, वह बेरीनाग का रहने वाला है। पुलिस कंट्रोल रूम पिथौरागढ़ के माध्यम से फायर सर्विस यूनिट को सूचना मिली कि बड़ालू क्षेत्र में जंगल में आग लगी हुई है। सूचना पर पुलिस अधीक्षक रेखा यादव के आदेश पर अग्निशमन अधिकारी दया किशन के नेतृत्व में फायर सर्विस यूनिट द्वारा तुरंत घटना स्थल पर पहुंचकर मोटर फायर इंजन में लगी हॉजरेल की सहायता से पंपिंग कर आग पर पूरी तरह काबू पाया गया। मुंशहरी के 25 ग्राम पंचायतों के चुनाव बहिष्कार की घोषणा के बाद आज स्थानीय प्रशासन द्वारा की गई बैठक में कोई हल नहीं निकल पाया है। बैठक में सेना सहित प्रमुख विभाग के जिम्मेदार अधिकारी मौजूद नहीं रहे, जिसको लेकर पंचायत प्रतिनिधियों ने रोष व्यक्त किया। तय किया गया है कि चुनाव से पहले जिलाधिकारी की अध्यक्षता में शीघ्र एक बैठक पिथौरागढ़ में बुलाई जाएगी। तहसीलदार चंद्र प्रकाश आर्य की उपस्थिति में हुई बैठक में वन विभाग तथा उद्यान विभाग के स्थानीय अधिकारी उपस्थित रहे। अब आपके शहर पिथौरागढ़ में पहला आयुर्वेदिक चिकित्सा उपचार एवं पंचकर्म केंद्र। यहाँ पर सभी जोड़ों के दर्द, गठिया वात, घुटना दर्द, स्लिप डिस्क, सायाटिका, दबीनस, सर्वाइकल, पीठ दर्द, गैस, अनिद्रा, मोटापा आदि हेतु थेरेपी दी जाती है। साथ ही निशुल्क योग, नाड़ी परीक्षण, परामर्श व औषधि वितरण भी किया जाता है। आज ही सेवा का अवसर दें। श्री शिवाश्रम, नियर विशाल मेगा मार्ट, पिथौरागढ़। चैत्र नवरात्रि के मौके पर पिथौरागढ़ के कुमौड़ गांव में भव्य कलश यात्रा के साथ भागवत कथा शुरू हो गई है। सैम मंदिर में उर्ग गांव के पंडित मनोज कृष्ण शास्त्री ने भागवत कथा का वाचन किया। उन्होंने कहा कि कथा के श्रवण से पापों का नाश होता है और पुण्य फल मिलता है। कथा श्रवण को बड़ी संख्या में लोग उमड़ रहे हैं। चैत्र नवरात्रि के पावन पर्व पर श्री रामलीला प्रबंधकारिणी समिति पिथौरागढ़ की ओर से 6 दिवसीय रामलीला मंचन का आयोजन किया जा रहा है। मंगलवार की रात पहले दिन राम जन्म से लेकर पुष्प वाटिका तक का मंचन किया गया। राम की भूमिका में गजेंद्र अधिकारी, लक्ष्मण गजेंद्र बिष्ट,
सीता जगदीश टसीला जनक राजेंद्र वर्मा रहे। प्रभावी आदर्श आचार संहिता के दृष्टिगत पिथौरागढ़ पुलिस ने 16 लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की। 5 लीटर कच्ची शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। शराब के नशे में वाहन चलाने व लड़ाई झगड़ा कर शांति व्यवस्था भंग करने पर 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसके अतिरिक्त जिले में पुलिस ने यातायात नियम का उल्लंघन करने वाले 53 लोगों के विरुद्ध और मिशन मर्यादा के तहत 24 लोगों के विरुद्ध चालान की कार्यवाही की। चंपावत के थाना बनबसा क्षेत्र अंतर्गत न्यायालय सिविल जज न्यायिक मजिस्ट्रेट टनकपुर से निर्गत 3 गैर जमानती वारंटियों हीरा लाल निवासी वार्ड 1, अजय उर्फ छोटू वाल्मीकि निवासी वार्ड 5 मीना बाजार और अनूप सक्सेना निवासी वार्ड 5 झोपड़पट्टी बनबसा को गिरफ्तार किया गया। पुलिस अग्रिम वैधानिक कार्यवाही कर रही है। पिथौरागढ़ में पहली बार एशियन स्कूल लेकर आ गया है। AI लर्निंग और 5G प्ले ग्रुप, एकेडमिक लर्निंग के साथ साथ स्पोर्ट्स, इनोवेटिव करिकुलम, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और भी बहुत कुछ। अब वसंत पंचमी से हर एडमिशन होगा बिल्कुल फ्री, तो देर किस बात की। अभी संपर्क करें एशियन स्कूल पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की खबरों को देखने के लिए न्यूज इंडो नेपाल को सब्सक्राइब करें। साथ ही न्यूज संबंधी सुझावों के लिए कमेंट करें। NIN सबसे अलग, सबसे तेज। धन्यवाद।